क्षेत्र में एक व्यक्ति से 2,70,000 लूट की घटना निकली। फर्जी पैसा गिरने के बाद गड़ा था फर्जी लूट होने की कहानी। सीसीटीवी छानबीन के बाद हुआ खुलासा। एसपी सिटी ने कहा, पैसा गिरने के स्थान की जा रही है छानबीन, की जाएगी आगे की विधिक कार्यवाही। शासन द्वारा निर्धारित 1,80,000 मैट्रिक टन के लक्ष्य के सापेक्ष 77% की जा चुकी है धान की खरीदारी। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने जानकारी देते हुए कहा, 15 फरवरी तक निर्धारित लक्ष्य को कर लिया जाएगा पूरा। किसानों को किसी भी प्रकार की हो दिक्कत तो तत्काल दे सूचना किया जाएगा, तुरंत समाधान। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय देश का बन गया है A++ ग्रेड पाने वाला अब चौथा विश्वविद्यालय। मिलेगी सरकार द्वारा तमाम तरह की सुविधा। अब देश के अन्य राज्यों से भी विश्वविद्यालय में बच्चे लेंगे एडमिशन। विश्वविद्यालय बढ़ाने जा रहा है सीट। राशन कार्ड धारकों को मिल रहे निःशुल्क राशन को भारत सरकार ने एक साल के लिए बढ़ाया। अब एक साल तक सभी राशन कार्ड धारकों को मिलेगा निःशुल्क राशन। जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने दी जानकारी। मार्च 2020 में कोरोना के समय में हुए मृतक गार्जियन के दो बच्चों को शासन द्वारा बाल सेवा सामान्य योजना के तहत भरण पोषण करने के लिए 2,500 रुपए की दी जाएगी सहायता। जरूरी नहीं कि कोविड से ही हुई हो मृत्यु, केवल कोरोना काल में हुई गार्जियन के सामान्य मृत्यु पर भी अनाथ दो बच्चे होंगे पात्र। जिला प्रोविजन अधिकारी सरोजीत सिंह ने दी जानकारी। बैंक रोड चौराहे पर रोड के किनारे बांसफोड़ों के विरुद्ध अभियान चलाकर नगर निगम के प्रवर्तन दल की टीम एवं कोतवाली पुलिस तथा नगर निगम के कर्मचारियों ने हटवाया अतिक्रमण। उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला ने कहा, दी गई है हिदायत, आगे किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए अतिक्रमण। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के लिए 24 प्रत्याशी हैं मैदान में। 30 जनवरी को होगा मतदान। 17 जिलों में वोटिंग के लिए बनाए गए हैं 321 बूथ। 2 फरवरी को गोरखपुर विश्वविद्यालय में होगी मतगणना। अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने दी जानकारी। जिहादी मानसिकता के लोगों द्वारा बजरंग दल कार्यकर्ताओं एवं हिंदुओं की हत्या के विरोध में बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित किया ज्ञापन। कहा, घृणा फैलाने व समाज को भड़काने वालों पर नियंत्रण करने के लिए बनाया जाए एक कठोर कानून। सेंट्रेड्यूज कॉलेज के एनसीसी 15 गर्ल्स एवं 45 बटालियन द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली का किया गया आयोजन। कॉलेज के प्राचार्य आरएन सैमुअल ने सड़क सुरक्षा की दिलाई शपथ। कहा, विद्यार्थी जीवन से ही वाहन एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक हो छात्र छात्राएं, रैली करने का यही है मकसद। और दिन में धूप निकलने से आम जनमानस को घर से बाहर निकलकर कार्य करने में मिल रही है राहत। लोग अपने परिवार के साथ पार्क में बैठकर ले रहे हैं धूप का आनंद। एडीएम फाइनेंस एवं जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, सुबह व शाम में रहेगी ठंड, गर्म कपड़ा पहनकर ही निकले घर से बाहर।